सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 5 टिप्स फॉर न्यू यूट्यूबर्स, तो काफ़ी सारे अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो। हम बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। दोस्तों, जो सबसे पहली टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो है मेक वैल्यूएबल कंटेंट। जी हाँ, आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसकी मदद से लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ नॉलेज मिले, या फिर वो एजुकेट हो सके। तो आपको कोई भी एक ऐसी परफेक्ट निश सेलेक्ट करनी है और उसी के ऊपर आपको वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है, जिससे कि ऑडियंस का भी फायदा होगा और वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जैसे कि हमारा खुद का चैनल है जो कि ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब रिलेटेड टिप्स से है। तो जो भी लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टिप की तरफ। दोस्तों, जो सेकेंड टिप है वो है इम्प्रूव योर कंटेंट क्वालिटी। जी हाँ, इम्प्रूव करो अपनी कंटेंट क्वालिटी को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस अच्छा सा एक कैमरा खरीद लेना और आपकी वीडियो क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करना है। आपके जो स्पीकिंग स्किल्स है उस पर भी आपको काम करते रहना, और आप अगर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करोगे तो वो भी अच्छे से डेवलप होगी। और प्लस आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। चाहो तो आप लोग ये बोया का B5M1 माइक परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन में लिंक है, वीडियो को जाके चेक कर लो। काफ़ी अच्छा वीडियो है उसका, बोया B5M1 का। और प्लस अपने स्मार्टफोन से स्टार्ट करो तो वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आएगी आपके स्मार्टफोन से ही। ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करो एंड एडिटिंग अच्छी करो अपनी। प्लस एक अच्छा टॉपिक सोच के उसके ऊपर वीडियो बनाया करो। दोस्तों, जो थर्ड टिप है वो है मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो लोग आपके कंटेंट और आपके चैनल के साथ में एंगेज्ड रहेंगे, और यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को ज़्यादा पुश करेगा और आपका चैनल ज़्यादा ग्रो करने लगेगा। दोस्तों, ये चीज़ मैंने खुद देखा हूँ, क्योंकि एक बार हुआ था जब मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन जब बाद में मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करना स्टार्ट किया तो मेरे वीडियोज़, जो प्रीवियस वीडियोज़ थे जिन पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उन पे भी व्यूज़ आने लग गए। सो ये होता है कंसिस्टेंसी का जादू। और प्लस आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। सो वीकली 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड करने का ट्राई करो, जिससे कि आप लोग मंथली 10 to 15 वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो और आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, प्लस ग्रोथ भी होगी। दोस्तों, जो फोर्थ टिप है वो है फाइंड द राइट निश फॉर योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज़ नहीं बनाना है। आप एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक फिक्स कर लो और उसी के ऊपर वीडियोस बनाओ। जैसे हमारा ऑनलाइन अर्निंग है तो हम लोग उसी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो वही करो। एंटरटेनमेंट का है तो जो भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड है बस वही करो। अगर फूड ब्लॉग्स करते हो तो वो करो, फैक्ट बनाते हो तो एक चीज़ ही करो। मतलब कहने का यही है कि एक चीज़ पे कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहो। और जो हमारी लास्ट और फिफ्थ टिप है वो है फॉलो द ट्रेंड। जी हाँ, 2022 आ चुका है और इंस्टाग्राम भी अपने रील्स को प्रमोट कर रहा है, वैसे यूट्यूब भी अपने शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आपके चैनल पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स आज का ट्रेंड है। और जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करने की कोशिश किया करो। दोस्तों, यही थे 5 टिप्स न्यू यूट्यूबर्स के लिए, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं 2022 में यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने सारे यूट्यूबर दोस्तों के साथ में शेयर करो। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे चल के आने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए एक अफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो है वो चेकआउट कर लो, और बोया B5M1 का वीडियो है वो भी चेकआउट कर लो। सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।